कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक हेलो, पर। मेरा सीधा सा जल्दी सवाल से है, बहस चुनाव की करते तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उत्तराखंड को लेकर क्या है तैयारी? पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से शानदार तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। हेलो हरीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हरीश रावत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगी कि दोबारा उनको जल्दी ही जोड़ा जाए। उसके पहले विनोद जी, आप अपनी बात जल्दी से खत्म कर ले, हम तुरंत हरीश रावत जी के पास जाएंगे। उसके पहले विनोद जी, चुनौतियां किसके सामने बड़ी हैं उत्तराखंड में? नहीं, देखिए चुनौतियां चित्रा जी दोनों के सामने पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो 4.5 साल का जो कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत का और जो तीरथ सिंह रावत का रहा है, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे दूर करेंगे। क्योंकि ये सही है, पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम समय मिला है और उनको अपनी पार्टी के अंदर का अंतर विरोध, जो कांग्रेस के पुराने नेता जो भाजपा में थे, सतपाल महाराज और तमाम हरक सिंह रावत वगैरह, उनकी नाराजगी, उनके उनका विरोध, उसका भी सामना करना पड़ा। और साथ साथ उत्तराखंड की जनता को नए आश्वासन भी देने पड़े हैं। जो एक सबसे बड़ा फैसला उन्होंने किया था, जो 4 धाम ट्रस्ट जो बनाया गया था, उसको उन्होंने जिस तरह से उसको रद्द किया, उस बोर्ड को, तो वो भी एक बहुत ठीक बड़ा है, बड़ी चुनौती हरीश थी रावत जी इस वक्त कांग्रेस हमारे के साथ सामने जुड़ भी। चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, और मेरा सीधा सा सवाल है, बहुत चुनाव की नमस्कार। तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड को लेकर क्या है तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी है। इसीलिए हमने कहा, हो रहा इलेक्शन कमीशन, हो रहा उत्तराखंड, पूरा का कांग्रेस, और हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। और 14 तारीख वैसे भी परिवर्तन की तिथि है और एक बड़ा परिवर्तन आएगा। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी है। कांग्रेस तो उसमें एक सहयोगी के रूप में काम कर रही है। जब जनता जनार्दन ही तय कर लेती है तो उस धारा को, गंगा की धारा को कोई रोक थोड़ी सकता। वहां तो तीन मुख्यमंत्री बने, कोई आया कोई चला गया, लेकिन परिस्थितियां शांत नहीं। लेकिन आपकी भी नाराजगी हाल ही में हम सबने देखी थी, तो हरीश रावत जो कद्दावर नेता है उत्तराखंड के कांग्रेस के, क्या उनकी नाराजगी अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी एकजुट है? क्योंकि बार बार गुटबाजी की खबरें कांग्रेस उत्तराखंड से भी सामने आ रही थी। देखिए देखिए, एक पार्टी के अंदर, एक परिवार के अंदर थोड़ी बातें उठती रहती हैं। वो ऐसी नहीं होती हैं कि उसे कोई लक्ष्य से अलग हटा जाए। ऐसी बातें आगे भी उठ सकती हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उससे चुनाव लड़ने के और चुनाव एकजुट होकर के लड़ने और चुनाव को जीतने के हमारे इरादे में कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। और फिर भाजपा ने तीन तीन मुख्यमंत्री दे करके और जिस प्रकार से इस समय उत्तराखंड की जनता का माहौल बनाया जा रहा है, बल्कि एक वरिष्ठ नेता ने भाजपा के कह दिया, हम 3 बनाए या 10 बनाए हमारी मर्जी। तो ये लोगों के, उनका बयान जले में कटे, जैसे कटे में नमक गिरता है, उसकी तरीके से काम कर रहा है। लोग ये जान रहे हैं कि डबल इंजन बिल्कुल फेल रहा है, विकास ठप रहा है, इधर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, हर 2017 के परिवार आंकड़ों दुखी की है मैं बात महंगाई से। करूं, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, 57 सीटें जीती थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें आई थी। तो आपने सबक क्या जी सीखा और क्या हरीश जी रावत मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में? कुछ सबक जो है समय भी देता। समय ने एक सबक हमको दिया कि आप धैर्य से प्रतीक्षा करिए और जो रोल आपको जनता ने दिया है उसको आप प्ले करते रहिए। और हमने वही किया। हम लोग विपक्ष के रूप में हमने अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा किया और अब हम सत्ता के आकांक्षी के रूप में चुनाव के मैदान में हैं। जहां तक रहा 57 सीटों का सवाल, उस समय मोदी जी ने एक हिंदुत्व की ऐसी लहर चलाई, वो शमशान और कब्रिस्तान का मामला उछाल करके, ऊंची बातों को उछाल करके, उसमें जो दूसरी पार्टियों का वोट था, फ्लोटिंग वोट जो था, वो सारा बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन उस समय भी एक बात याद रखे, उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस जिस वोट के बल पर 2012 में सत्ता में आई थी, उस प्रतिशत से कुछ ज्यादा ही वोट 2017 में कांग्रेस को मिला, 34% वोट। वो वोट आज हमको सत्ता में वापस लाने का माध्यम बन रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस का ऐसा लॉयल वोट है
जो समझता है कि हमको उसी समय सत्ता में आ जाना चाहिए था, नहीं आ पाए, इसलिए उसने उस हार को अपनी हार के रूप में लिया है और वो अब हमको जिताने का कारक बन रहा है, वो लीड कर रहा है इस चुनाव को।